बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के प्रथम चरण को लेकर आज नॉमिनेशन के सातवें दिन विभिन्न दलों के छोटे बड़े नेताओं ने नामांकन पर्चे भरा। नामांकन को लेकर कई बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेता व निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन स्थल पहुंचे। इस दौरान गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित कैंडिडेट बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार एवं गया नगर निगम के डिप्टी मेयर अखौरी ओकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने पर्चा भरा। संदेश रखना चाहता हूं कि लोग बदनाम करते हैं भिन्न भिन्न तरह का, कभी कतई भी नहीं। मेरा घर डोभी बजौरा वारी में है, आज भी मेरा खेती बाड़ी है। पिताजी अच्छे वहाँ के खेतियर किसान थे, हमारे परिवार में सारे लोग यहाँ पर हैं। मुझे 14 साल नगर निगम में हो गया, कोई भी व्यक्ति एक उंगली उठा के नहीं कह सकता कि मैं एक कप चाय भी किसी का पियाऊँ। अगर मेरे जगह दूसरा कोई रहता, कितने शिकायत मकान पास में, आवास पास में, मोटेशन में, रजिस्ट्रेशन में, एक माननीय विधायक से ज़्यादा शक्ति और कानून और नियम नगर निगम के द्वारा संचालित होता है। उसके बाद जब हमने ये देखा तो हमने सोचा कि गया को गया जी के हिसाब से कैसे बनाया जाए, उसके लिए नेटवर्किंग चाहिए और नगर निगम में रह के ये काम संभव नहीं है जब तक कि MLA या MP बन के उसका स्कोप और नेटवर्किंग बढ़ जाता है। तो मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं यहाँ नामांकन किया हूँ, यहाँ पर BJP और JDU का अलायंस है और 30 बरस से वो कंटिन्यू MLA या मंत्री जी के रूप में हैं और उन्हीं के साथ ही उन्हीं के पार्टी के समर्थन के लोग MP साहब भी हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि गया को गया जी के दर्जा दिलाऊं और इस बार मेरी लड़ाई पार्टी कोई भी हो, लेकिन जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, माननीय सम्मानित जनता रहते हैं, मतदाता रहते हैं, वो बड़ी पार्टी हो जाती है। कभी कोई पार्टी बड़ी हो जाती है, कभी कोई छोटी हो जाती है। इसलिए मैं नेशनल कांग्रेस से ये टिकट लेके आया हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह जब आवंटित होगा तो पंजा छाप हाथ छाप होगा और इससे हम सफाई करेंगे और 30 साल के कोड़ को हम यहाँ से मिटाएंगे और किसी भी कीमत पर गया के गया जी के लायक बनाएंगे। इसीलिए हम चुनाव लड़ने आए हैं।